नवी मुंबई के उलवे में शिव संघर्ष प्रतिष्ठान के भव्य नवरात्रि उत्सव की धूम मची है। यहाँ महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम और मनोरंजक खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। आज पूर्व नगराध्यक्ष जय मात्रे और रियल एस्टेट कंपनी जमीन प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर आसमा सैयद ने भी यहाँ भेंट दिया और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। अतिथियों ने नवरात्रि उत्सव के आयोजन के लिए शिव संघर्ष प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अखिल दादा यादव की सराहना की। नवी मुंबई में मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे भव्य उत्सव अभी तक देखा है। तो शिव संघर्ष ने जो इस टाइम पे हर साल की तरह ये साल भी जो नियोजन किया हुआ है और इतना भव्य नियोजन किया हुआ है, तो मुझे तो आज यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आज मैं 8वें दिन आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 7 दिन मिस कर दिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अखिल सर की बहुत मेहनत है, जिस तरह से वो खुद जुटे हुए हैं ये सब काम करने में, मैं उनको पहले दिन से देख रही हूँ। तो फर्स्ट डे से अभी 8 दिन आज हो गया कंटिन्यू सर की जो इधर सब सामाजिक एक सब इकट्ठा सबको लेके आने के लिए जो कोशिश है, वो कोशिश यहाँ पे एक्चुअली इनके काम में दिख रही है, तो मुझे तो बहुत खुशी मिली। वहीं शिव संघर्ष प्रतिष्ठान के संस्थापक युवा नेता अखिल दादा यादव ने 8 दिनों के नवरात्रि उत्सव में हजारों गरबा प्रेमियों और फिल्म सितारों की उपस्थिति पर खुशी जताई। उलवे नोड मध्ये आज पाचवं वर्ष आम्ही साजरा करत आहे आणि गेल्या 5 दिवस 6 दिवस झाला, आज 7वा दिवस आहे। इथं बरेच सेलिब्रिटी पण येऊन गेलेत। प्रमुख पाहुणे म्हणून जैन मात्रे साहेब आज येऊन गेलेत, इथं आमच्या देवीला भेट देऊन गेलेत। उलवे लोकांनाच मला सांगणं आहे की इथं येऊन देवीचं दर्शन घ्यावं। आणि 24 तारीख को हमारे इधर सर्वप्रथम भंडारा भी रखा गया है, तो कल नवरात्रि का लास्ट दिन और उसके बाद दशहरा, दशहरा के दिन हम लोग ने भंडारा का महाप्रसाद रखा हुआ है जो उलवे नागरिक के लिए, सब लोग आए और यहाँ का महाप्रसाद का लाभ उठाए। और नवरात्रि का कल 12 बजे तक हमको और आज और 12 बजे का परमिशन दिया हुआ है, तो आके इंजॉय करें और देवी का दर्शन लें। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।